अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो प्लीज मुझे भेजें। आज का सवाल है कि गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसका जवाब बजरिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, अब मेन्यू पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम है आलू और कीमे के कटलेट। ये बहुत ही मजेदार कटलेट होते हैं और आप इनको अवन में पकाएंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी दही बैंगन। ये एक बहुत ट्रेडिशनल इफ्तारी की डिश है, बहुत मजेदार है और ओरिजिनेट करती है हैदराबाद से। दही बैंगन के बाद आज हम डिजर्ट में बनाएंगे एक प्लम योगर्ट। ये बहुत लाइट डिजर्ट है और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है ये इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ड्रिंक में हम बनाएंगे एक प्लम फिज जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होगी। चलिए जी शुरू करते हैं और सबसे पहले कटलेट्स के साथ। कटलेट्स के लिए मैंने 3 आलू उबाल के रखे हुए, इनको मैंने थोड़ा सा चॉप कर दिए। अब मैं इनको बोल में डाल के थोड़े से जैतून के तेल के साथ इनको मैश करूंगी। ऊपर से आप सिर्फ 1 टेबलस्पून जैतून का तेल इसमें डाल दें और फिर कांटे से इनको अच्छी तरह मैश करें। एक दफा आप आलू को रफली मैश कर लें, फिर आप ऊपर से इसमें एक बड़ी चुटकी नमक का डाल दें, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और एक चुटकी जीरा। 1 टेबलस्पून जैतून का तेल और डाल दें और फिर से आलूओं को मैश करें। अब आपने बिल्कुल स्मूथ मैश नहीं बनाना है, इनको थोड़ा सा रफ रखें क्योंकि इनका फ्लेवर उसी से एनहांस होगा जब वो अवन में बेक होंगे। तो एक दफा आपने रफ मैश कर दिया, आप बोल को साइड पे रखते हैं और इसमें अब हम फिलिंग के लिए K&N's का चिकन कीमा का पैकेट खोलेंगे। आप थोड़ा सा चिकन कीमा बोल में निकाल लें। और फिर इसमें मुख्तलिफ मसाले डालें। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफ़ा मसालों को आपने मिक्स कर दिया, फिर आप ऊपर से 1 टेबलस्पून बॉल्सामिक सिरका भी बोल में डाल दें। अगर आपके पास बॉल्सामिक सिरका ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप, 1/2 प्याज ले लें और उसको बारीक चॉप कर दें। प्याज को चॉप करके आप 2 पीस लहसुन भी चॉप कर दें। लहसुन चॉप करके नेक्स्ट स्टेप, आप फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून जैतून का तेल गरम करें। चिकन को कटलेट में स्टफ करने से पहले आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि अवन में चिकन इतनी देर के लिए नहीं होगा कि वो पक जाए। अब जैसे तेल गरम हो जाए आप फ्राइंग पैन में दोनों लहसुन और प्याज डाल दें। अब लहसुन और प्याज को आप 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर उसके ऊपर 1/2 नींबू का जूस निचोड़ दें। एक मिनट फ्राई करने के बाद अब चिकन कीमा पैन में डाल दें। अच्छा जी, चिकन कीमे को आप पैन में डालकर इसको अच्छी तरह भून लें, इसको आपने ब्राउन करना। चम्मच से कीमे को आप मिक्स करते जाएं कि वो उसके बड़े लम्स ना रह जाएं, क्योंकि ये चिकन कीमा ये बहुत जल्दी पकता है। तो बिल्कुल एंड में आप ऊपर से 1 टेबलस्पून बॉल्सामिक सिरका पैन में डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें। बॉल्सामिक से भी चिकन कीमे को रंग मिलेगा और ज़्यादा फ्लेवरिंग होगी।
चलें जी, एक दफा कीमा ड्राई होना शुरू हो जाए आप पैन को आग से हटा दें और फिर आलू के छोटे कटलेट्स बनेंगे। इसके लिए आप एक ओवन डिश लें। अब ओवन डिश में आप आलू लें और उसको फ्लैट कर दें अपने हाथों के साथ। इसको आप थोड़ा सा हाथों से मैश भी करें और ये अगर रफ होंगे तो बहुत मज़ेदार होंगे। ये देखें, इस तरह आप एक बेस बना लें। ज़्यादा बड़ा ना रखें, उनको छोटे छोटे बाइट साइज बनाएं। अच्छा जी, एक दफ़ा आपने दो बेस बना लिए, फिर आप थोड़ा सा चिकन कीमा लें, उनके सेंटर में इस तरह बिछाएं। फिर जो आलू जो बच के है उससे दो कवर्स बनाएं। कवर बनाकर आप कटलेट को इस तरह सील करें। अच्छा जी, एक दफ़ा ये दोनों कटलेट्स बन गए, फिर आप ऊपर से थोड़ा सा नमक इनके ऊपर छिड़क दें इस तरह और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ऊपर से एक टेबलस्पून जैतून का तेल भी स्प्रिंकल कर दें और बिल्कुल एंड में केएनएनस के मोर्टादेला के स्लाइस का पैकेट खोलें और ये होगी हमारी बहुत ही स्पेशल टॉपिंग। आप मोर्टादेला का पैकेट खोल लें और उसमें से दो स्लाइस मोर्टादेला के निकाल लें या थोड़े से पीस। आपने अब कटलेट्स को मोर्टादेला के स्लाइसेस के साथ कवर करना है। अब जब ये आप मोर्टादेला ओवन में डालेंगे तो ये ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। ये आप सर्विंग के वक्त हटा देंगे। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि मोर्टादेला में जितने भी फ्लेवर्स हैं, जैसे इसमें पिस्ता है, इसमें काली मिर्च है, मोर्टादेला का अपना फ्लेवर है, वो आलू की टॉपिंग में जज्ब हो जाएंगे। फिर आप पोटैटो कटलेट्स को ओवन में 20 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा दें। चलें जी, पोटैटो कटलेट्स डन। अब हम बनाते हैं दही बैंगन। अच्छा जी, आलू बैंगन के लिए सबसे पहले तो आप एक बैंगन ले लें और इसके गोल गोल स्लाइस कर लें। स्लाइस करके आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। फिर फ्राइंग पैन में आप 6 टेबलस्पून जैतून के तेल की गरम करें। अब जैसे तेल गरम हो जाए आप बैंगन के स्लाइस इसमें डालकर फ्राई करें। ये बहुत ही सिंपल डिश है। आपने बैंगन को थोड़ा सा गोल्डन करना है और आखिर में दही में डालने के बाद आप दही को तड़का देंगे, यानी दही पे भगार डालेंगे। जो ट्रेडिशनल दही बैंगन की रेसिपी है उसमें बैंगन के ऊपर एक कोटिंग होती है, वो काफ़ी क्रंची होती है। आज जो मैं बना रही हूँ वो हेल्थी ऑप्शन है। यानी बैंगन फ्राई हो रहे हैं, उनको पलटते हैं